हम लोग पढ़ रहे थे क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, राइट? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये लेक्चर नंबर क्या था? 4 है ना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है, अपन लोग कुछ एग्जांपल देख लिए थे, नेक्स्ट अब देखेंगे अपन लोग व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन देख लिया था हमने, अब हम लोग का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, ठीक है? कि केमिकल इक्वेशन है क्या। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन में आने से पहले अपन लोग ये समझें कि जब हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई रिएक्शन बोलते हैं अपन लोग, क्या कराते हैं, तो हम लोग बोलते हैं जैसे कि मान लो जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अपन लोग बोल देते हैं कि व्हेन जिंक इज रिएक्टेड, ठीक है, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट जिंक सल्फेट, है ना, एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे जिंक का रिएक्शन अपन लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो अपन लोग को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। तो एक तो तरीका है ऐसे किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का या फिर बोलने का, ठीक है। दूसरा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन लोग बेसिकली, अब क्या दिक्कत है ना कि अब बार बार कोई रिएक्शन हो रहा है, इतना बोलेंगे इतना लिखेंगे तो क्या होगा, मतलब टाइम का वेस्टेज है। तो इसको अपन लोग अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें तो ज्यादा इफिशियंट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग दो तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वी रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन बाय टू वेज, ठीक है। पहला तरीका है वर्ड इक्वेशन, बोलते हैं अपन लोग इसको वर्ड इक्वेशन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें पहला जो तरीका है वो है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं जिंक, ठीक है, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। रिएक्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, और रिएक्टेंट एक से ज्यादा जब रिएक्टेंट है तो सबको प्लस साइन के साथ ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। प्लस साइन के साथ इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये दोनों मिल करके प्रोडक्ट बना रहा है। अब दो से ज्यादा होगा, तीसरा होगा, तो और प्लस साइन लगा देंगे। तो खैर, यहां पे रिएक्टेंट यही दोनों है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं एरो, ठीक है। तो एरो के लेफ्ट में लिखा जाता है क्या, रिएक्टेंट। अब हमने इसको वर्ड में रिप्रेजेंट कर दिया, सिर्फ किसको, जो हमारा एलिमेंट है या फिर जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, जो मेन टर्म है हमारे रिएक्शन के। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट। तो इन दोनों को प्लस साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, जो लेफ्ट में लिखा जाता है वो रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट, राइट। क्या दे रहा है प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या दे रहा है, गैस दे रहा है ना, ठीक है। तो जो एरो के राइट साइड में लिखा जाता है, इसको अपन लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट, और एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट अपन लोगों को मिल रहा है तो सबको प्लस साइन किस तरह ऐड करते चले जाते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट में कर रहे थे। तो इस एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट और इस एरो के राइट में प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक है। सिंस ये वर्ड फॉर्मेट में लिखा गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वर्ड इक्वेशन। तो किसी केमिकल रिएक्शन को इस ढंग से हम लोग वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो मोस्ट कॉमन है। अब ये भी क्या है, बार बार इतना क्यों लिखेंगे, जब हम किसी एलिमेंट का सिंबल जानते हैं, कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये सब का अपन लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एलिमेंट का अपन लोग को रिप्रेजेंटेशन पता है ना, कि कैसे इसको लिखा जाता है शॉर्ट में, तो हम लोग उससे लिखेंगे तो जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, टाइम भी बचेगा, है ना। तो दूसरे को ही अपन लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, दूसरे को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
केमिकल इक्वेशन। तो जिंक को शॉर्ट में लिखा जाता है Zn से, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग जानते हैं, तो इसको शॉर्ट में H2SO4, ठीक है। इसके बाद एरो देंगे, क्या मिल जाएगा अपन लोगों को, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो जिंक क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में डाइल्यूट H2SO4, हम लोग इसमें एक्वस इसका स्टेट भी लिख देते हैं, एक्वस ZnSO4 जो मिलता है एक्वस, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, सिमिलर टू वर्ड इक्वेशन, इसको भी हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और एरो के राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट। बस फर्क क्या है कि हम लोग इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, शॉर्ट में, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना। तो देखिए तीनों में सबसे आसान तरीका और सबसे जल्दी तरीका कौन सा है, इस फॉर्मेट में लिखना है ना। तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली ये शॉर्ट हैंड फॉर्मूला होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, है ना, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को अपन लोग कह सकते हैं कि इट इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब सबसे शॉर्ट तरीके से अगर किसी भी आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। रिएक्टेंट के बीच में एक से ज्यादा प्लस, प्रोडक्ट में एक से ज्यादा प्लस, दूसरा कि इसको हम लोग इसके स्टेट को भी मेंशन करते हैं केमिकल इक्वेशन में, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, एक्वस कहने का मतलब डाइल्यूट फॉर्म, मतलब पानी है इसमें, ZnSO4 एक्वस, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, क्लियर, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिए पहले इसको, तो देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को अपन लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो तरीका कौन कौन है, एक होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके दो कैटेगरी है केमिकल इक्वेशन के, एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब समझो बात को, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड का क्या मतलब है, ठीक है, तो पहले समझते हैं अपन लोग इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, Zn प्लस H2SO4, प्रीवियस वाला ही ले लेते हैं अपन लोग, है ना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ये कोई केमिकल इक्वेशन है ना, स्केलेटल फॉर्म है इसका, स्केलेटल फॉर्म कहने का मतलब कि एक्चुअली में वर्ड में तो जिंक प्लस रिएक्टिंग विद H2SO4, बट हम लोग ने इसको शॉर्ट में लिख दिया, तो ये इसका स्केलेटल फॉर्म है ना, ढांचा, है ना, जैसे स्केलेटन होता है ना हमारे बॉडी का, ऊपर से कवर रहता है स्किन ये सब, टिश्यू ये सब, राइट। वैसे ये तो मेन चीज है, ये तो बोन है किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। अब देखो, अब ये केमिकल रिएक्शन में एक बात आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मीनिंग होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट,
क्योंकि मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी रिएक्शन होंगे सब में मास क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा किसी भी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब जितने जिंक के एटम रिएक्टेंट साइड में हो उतने ही जिंक के एटम किधर हो, प्रोडक्ट साइड में हो। बात आ रहा है समझ में, तभी तो हर एक जितना भी एलिमेंट है उसके जितने एटम रिएक्टेंट में हो उतने ही प्रोडक्ट में हो, तभी तो जाकर के नेट मास क्या होगा इसका, कंजर्व होगा। समझ रहे हो बात को ना। तो अगर जब हमने रिएक्शन लिखा, ठीक है, जब हमने रिएक्शन लिखा और अगर नेट एटम किसी एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में बराबर नहीं है तो अपन लोग उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट, है ना, ऑफ एनी एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। मतलब किसी एलिमेंट के जितने एटम अगर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है तो उस रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से अपना काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड का नेट नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का, ठीक है। इसीलिए अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो उसको अपन लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। खैर ये रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो जिंक के कितने एटम है, एक एटम रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी कितने एटम है, एक ही एटम है। हाइड्रोजन कितना इधर, दो है, इधर क्या है, दो है, ठीक है। सल्फर कितना है, एक है, यहां भी सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, चार है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, चार है। तो जितने रिएक्टेंट साइड में एटम है सभी एलिमेंट के उतने ही प्रोडक्ट साइड में है, तो हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड नहीं, कैसा है, बैलेंस्ड है। ये कैसा है, बैलेंस्ड है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल अपन लोग लेते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, ठीक है, आया बात समझ में। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मास भी थोड़ा सा आपको समझाते हैं, देखिए इस एग्जांपल से। हाइड्रोजन के एक एटम का मास आप जानते हैं कि क्या होता है, 1 AMU, तो दो एटम का मास कितना हो गया यहाँ पे, 2 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो इसके टू एटम का मास कितना हो जाएगा, 32 AMU, है ना, ठीक है। अब दोनों का नेट मास कितना हो गया, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 34 AMU, ठीक है। अब वाटर में आओ तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना एटम है, एक, हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, तो 16 और एक एटम का मास 16 और एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, 16 + 2 = 18। तो क्या ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, नहीं, इधर 34 है इधर 18 है तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, तभी ये सिचुएशन आया है। तो देखो, देख लेते हैं जो रिएक्शन दिया हुआ है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो देखो, तो हाइड्रोजन के तो दो हैं लेकिन ऑक्सीजन के इधर दो और इधर एक है। बात आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो इस रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बट अपन लोग जानते हैं कि कोई भी कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। इसीलिए केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस हमेशा किसका होता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का। तो बैलेंसिंग करना बहुत ही आसान सा तरीका होता है, ठीक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। हीट एंड ट्रायल कहने का मतलब आपको लगाते जाना, फिट करते जाना और बैलेंस करते जाना है। फिर भी हम एक सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल आपको बताते हैं, ठीक है, उसको फॉलो कीजिएगा तो मैक्सिमम बैलेंस हो जाएगा। बट हम बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग एक
हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप बैलेंस कर पाइएगा, ठीक है, क्लियर। तो पहले इसको आप लिख लीजिए कि ये मतलब होता है अनबैलेंस्ड का, ठीक है। तब हम लोग आते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि सीधा सा तो मतलब आप समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब, है ना, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब, ठीक है, क्लियर। अब रूल क्या है, तो हम पहले भी आप फिर से बोल रहे हैं कि ये हिट एंड ट्रायल होता है, फिर भी हम एक सेट ऑफ रूल्स लिखा रहे हैं, तो लिखते जाइएगा रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो लिखिए रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट of any element in reactant side is equals to total number of atoms of any element in product side, ठीक है। तो पहला रूल है, ठीक है, फर्स्ट रूल तो सिंपल हो जाएगा कि आपको अगर वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, राइट केमिकल इक्वेशन स्केलेटन, सबसे पहले आप केमिकल स्केलेटन इक्वेशन का स्केलेटन लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम छोटा एग्जांपल लेकर के ही चलेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल हम इधर लिख ले रहे हैं ताकि आपको रूल भी समझाते चले और एग्जांपल भी समझाते चले, ठीक है, रूल भी आपको समझाते और एग्जांपल भी आपको समझाते। तो हम वर्ड फॉर्मेट लिख रहे हैं एग्जांपल, ठीक है, कि आयरन इज रिएक्टिंग विथ स्टीम, ठीक है। तो ये आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये अपने पास रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आप किसी केमिकल इक्वेशन का आप स्केलेटल फॉर्म लिखिए, तो लिखिए क्या लिखिएगा, आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe, ये होता है सॉलिड। स्टीम कहने का मतलब क्या होता है, स्टीम है क्या, वाटर, लेकिन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, है ना, वेपर फॉर्म, तो गैस तो कम लिखते हैं, वेपर लिखते हैं, वेपर फॉर्मेट में, है ना। क्या दे रहा है, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन का यह मैग्नेटिक ऑक्साइड देता है Fe3O4, ठीक है, ये हो गया सॉलिड, है ना, और प्लस H2 गैस, ठीक है, क्लियर। तो पहला है कि आप किसी का इक्वेशन का स्केलेटन फॉर्म लिखिए। सेकेंड रूल, ठीक है, सेकेंड रूल कहता है कि आप इसको बॉक्स में इसको सबको रख दीजिए, ठीक है, कीप Each element and compound, element or compound in boxes. अब देखिए ये जो दूसरा, हम ये भी बताते चलते हैं कि हम बताने के लिए जरूर बता रहे हैं लेकिन बाद में ये सब इतना करने का जरूरत नहीं है, फिर भी समझिए। आप इसको बॉक्स में शुरू में ऐसे ही बनाइए ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। Fe plus H2O वेपर, इसको भी बॉक्स में अरेंज कर दीजिए, ठीक है, इस ढंग से। तो ये हो जाएगा Fe3O4 सॉलिड, ठीक है, प्लस
एच टू गैस है ना। तो इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया, बॉक्स में अरेंज कर लिया। तीसरा, अब तीसरा से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रूल है तो लिखने के लिए तो लिख लिया हमने। थर्ड रूल इज ठीक है, थर्ड रूल, लिस्ट द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जितने भी केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट हैं, सबके रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम है और प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में पहले तो देख लीजिए आइटम किसके किसके हैं इक्वेशन में, आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके अलावा तो चौथा नहीं है, तो लिस्ट कर लिया पहले Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब लिख लो इसको रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने हैं, एक, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तीन, है ना। फिर देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, इधर दो, तो हाइड्रोजन के इधर भी कितने हैं, दो, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, एक, इधर कितने हैं, चार, है ना। अब देखो हाइड्रोजन तो दिख रहा है बैलेंस है, रिएक्टेंट में दो है, इधर भी दो है, लेकिन आयरन बैलेंस नहीं है, आयरन के इधर एक आइटम, इधर तीन आइटम, इधर कितने हैं ऑक्सीजन के एक आइटम और इधर कितने हैं, चार आइटम। तो अब हम इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। अब कोशिश कैसे करेंगे, तो देखिए रूल नंबर फोर, हम इधर इक्वेशन लिख लेते हैं ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे। Fe प्लस H2O ठीक है, ये हो गया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। तो रूल नंबर फोर कहता है कि सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, फोर्थ रूल है, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला इन रिएक्शन। सबसे बड़ा जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, बाई फॉर्मूला बाई एटम्स, ठीक है, तो सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला इन रिएक्शन। तो सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला इन द रिएक्शन एंड बैलेंस, द एलिमेंट having largest number of atoms, है ना। तो देखो तो इन सब में सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, Fe3O4, और Fe3O4 में भी सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस इस सिनारियो में किसको करेंगे, ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। तो कैसे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को, तो इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, चार एटम, इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, एक एटम। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके चार है ना, इसके एक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फोर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फोर से मल्टीप्लाई किया हमने, तो कुछ ऐसा ये बन गया, Fe प्लस 4H2O गिविंग Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन इधर आठ हो गया और इधर कितने हैं, दो, तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब, सॉरी हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना, ठीक है। उसके बाद बड़े वाले फॉर्मूला में कौन है, आयरन, तो आयरन के कितने एटम्स है, इधर तीन, इधर कितने हैं, एक। तो नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग बैलेंस किसको करेंगे, ट्राई टू बैलेंस आयरन, आयरन को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री से, तो इधर हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिविंग Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और आयरन तो बैलेंस हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इधर कितने एटम है, आठ। देखो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से,
तो इसके जो सबस्क्रिप्ट में होता है उससे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। 4 इंटू कितना हो गया, अब ये 2, 8 हो गया, इधर कितने हैं 2 हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई इधर कर दे तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा 4 से। तो अभी इसको हम लोग बैलेंस किसको करेंगे, ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन। तो कैसे बैलेंस करेंगे, सिर्फ इधर ही 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर, तो कितना हो जाएगा ये 3Fe प्लस 4H2O प्लस गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। अब हमने सबको कोशिश कर लिया बैलेंस करने का, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो आयरन के इधर कितने आइटम हैं, 3, इधर भी कितने हैं 3, है ना, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन भी इधर भी 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आया समझ में, क्लियर है। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, क्लियर। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये तो रूल आप देख लिए कि क्या कर रहा है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, बार बार इतना नहीं लिखना है बैलेंस करने में। मान लीजिए एग्जाम में पूछा कि हाँ एक्सप्लेन करो कैसे बैलेंस करते हैं, तो ये लिखिएगा, नहीं तो सीधा बोले बैलेंस करना है तो इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। कैसे, तो देखो एक हम छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम वाटर वाला ही एग्जाम्पल उठाते हैं कि हम देखिए, हम उसमें ये भी दिखा देंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो रहा है। जैसे देखो अब छोटा सा एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये रिएक्शन अनबैलेंस था, अब हमको करना है बैलेंस। तो कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन का इधर 2 एटम है, इधर भी कितने एटम है 2, ऑक्सीजन का कितना एटम है 2, इधर कितने हैं 1, तो ऑक्सीजन अगर हमको बैलेंस करना है तो कैसे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए, जैसे मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन का तो 2 एटम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के अब कितने हो गए 4, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, तो 2 से, तो 2 2 4। तो इसी मेथड को हीट एंड ट्रायल कहते हैं, करते जाते हैं जब तक करेंगे इस ढंग का काम, कब तक, जब तक कि बैलेंस टोटली ना हो जाए, ठीक है। अब देखो कैसे कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, जरा देखना। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU, तो 2 का कितना 2 MU, और 2 × 2 टोटल कितने हाइड्रोजन के आइटम है 4, तो ये हो गया 4 AMU। ऑक्सीजन की एक आइटम का मास 16 AMU, 2 का कितना 32, तो ये हो गया 32 AMU, नेट कितना हो गया ये 36 AMU, तो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया 36, है ना। अब इधर देखो हाइड्रोजन के कितने आइटम है 4, तो 4 AMU प्लस कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 एटम, तो हो जाएगा कितना 32 AMU, तो ये कितना देगा 36 AMU। तो देखो जैसे रिएक्शन बैलेंस हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। आया बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल कर लेते हैं और, कि CH4 को अपन लोग बोलते हैं मीथेन, ठीक है। मीथेन का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, ठीक है, क्लियर। अब ये रिएक्शन है, अपन लोगों को देखना है कि पहले तो ये बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो तो कार्बन का एक मीथेन में हाइड्रोजन 4, इधर 2 है, तो बैलेंस तो ये है नहीं, अब हमको करना है बैलेंस। अब देखो तुम किसी को भी उठा लो, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन ही कोशिश कर लेते हैं बैलेंस करने का, ठीक है। तो ये प्योर आपके इंस्टिंक्ट पे है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला दिख भी रहा है CH4, है ना, उसमें सबसे ज्यादा एटम किसके हैं हाइड्रोजन के, तो इधर 4 है, इधर कितने हैं 2, कितना से मल्टीप्लाई कर दे 2 से, जैसे कि हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर का 2 और इधर का 2, कितने हो गए 4, तो इधर है कितने 2, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, देखो तो है ना बैलेंस। कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 4, तो 2 यहां और 2 यहां, तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। तो इसी ढंग से आपको बैलेंसिंग करना है। तो आपका होमवर्क रहेगा, जितने भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है बैलेंसिंग किया वो आप बैलेंस कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बैलेंसिंग, और जो भी डाउट है वो आप व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये लेक्चर देखने के बाद आप बैलेंस करना सीखिएगा, पहले आप इसको पूरा बैलेंस करना सीखिए, ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि एक लाइन में करना है ऐसे, क्लियर।